कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो मैं हूँ क्राको एयरपोर्ट पे, और इस समय मेरा जाने का प्लान है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा वो है इंदोवन। तो मैं जा रही हूँ इंदोवन क्राको से, और प्लान मेरा इंदोवन का नहीं है। आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं इंदोवन से कहाँ जा रही हूँ, और शायद आपको ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और आगे का ब्लॉग देखिए। कैसे हैं आप लोग? ओके, सो फर्स्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं अभी आ चुकी हूँ, एक्चुअली आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना एक और नया ट्रैवल व्लॉग। और उस ट्रैवल व्लॉग में बेसिकली मैं कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा फर्स्ट है एम्स्टर्डम जाने का, और पर एम्स्टर्डम जाने के लिए मैं कहाँ आई हुई हूँ? मैं आई हुई हूँ इंदोवन एयरपोर्ट, आई थिंक मैंने सही बोला होगा। और ये एयरपोर्ट मैं क्यों आई हूँ और मुझे किससे आई हूँ, कितने की मुझे टिकट पड़ी है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगी। बट फिलहाल के लिए अभी मैं जा रही हूँ बस स्टॉप, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। और मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से एम्स्टर्डम जाऊँगी बाय ट्रेन। सो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बस लेने, और बस से जाना है मुझे ट्रेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन इंदोवन का। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ। ये पीछे था एयरपोर्ट, ये इधर से एयरपोर्ट का रास्ता था, और छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। और अब बस के लिए जाना है, तो बस देखती हूँ यहाँ से, और आपको सारी डिटेल्स शेयर करूँगी अपने इस ब्लॉग में कि मुझे कितने की टिकट पड़ी और मैं इंदोवन क्यों आई, एम्स्टर्डम क्यों नहीं गई डायरेक्ट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपसे शेयर करनी है। ओके, तो बट उससे पहले मैं जाती हूँ बसेस के लिए। बस कहाँ से मिलेगी? मैंने अभी ट्राई किया एक्चुअली बस की टिकट, बट वहाँ निकल नहीं रही थी, एयरपोर्ट पे फेल हो जा रही थी। एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं मेरा कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं बहुत वरी हो गई थी। बट उन्होंने बोला कि शायद मशीन ख़राब है, तो उसके लिए आपको बस लेनी पड़ेगी, बस पे ही आपको टिकट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बस की तरफ चलती हूँ। वैसे यहाँ पर भी टिकट मशीन से, लेट्स ट्राई कि मुझे यहाँ बस की टिकट मिल जाए। ओके, अभी मैं आपको उसका प्राइस भी बताती हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, बहुत अच्छा ब्लॉग करने वाली हूँ इस टाइम भी। नो कैश कार्ड्स ओनली। ओके ओके, तो मैं आपको टिकट का प्राइस ही बताती हूँ, कितने का टिकट मिल रहा है यहाँ पे एक साइड का, और भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, ओके गाइस, मैं आ चुकी हूँ इंदोवन सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मेरी यहाँ से ट्रेन है थोड़ी देर में। आप ये देख रहे हो, ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। और मुझे एयरपोर्ट से 400 में मैं आई हूँ। वैसे 400 और 401 जाती हैं एयरपोर्ट से, अगर किसी को एयरपोर्ट से सेंट्रल स्टेशन आना हो तो। बस मुझे ये दिखाना था, ये है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन। मेरी जो ट्रेन है वो ट्रेन है अभी थोड़ी देर में, मतलब एक डेढ़ घंटे में है, लाइक अराउंड 5:30 पे। और मैं बस यहाँ पे अभी अंदर जाके अपना ट्रेन का देखती हूँ कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। बट मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी अभी, तो पता है मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद किसी और बस पे चढ़ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। बट ठीक है, वो सही थी बस जिसमें मैं चढ़ी थी, क्योंकि मुझे एक लेडी ने बताया था इन्फॉर्मेशन सेंटर पे कि 400 और 401 जाती है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो, और क्योंकि वो राउट चेंज करता है और फिर उस हिसाब से अलग हो जाता है। तो और मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं विज़ एयर से आई हूँ, मुझे विज़ एयर में अराउंड 250 ज्लॉटी की टिकट्स लगी है, विच इज़ अराउंड 5000 INR में, इंडियन रुपीज़ में। एंड बाकी मैं इंदोवन इसलिए आई हूँ ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ की टिकट सस्ती थी, एम्स्टर्डम काफ़ी, एम्स्टर्डम की डायरेक्ट टिकट काफ़ी कॉस्टली थी, तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। एंड और अब मैं ट्रेन से जा रही हूँ, और ट्रेन का जो मुझे प्राइस लगा है वो ऑलमोस्ट 2000 रुपये लगा है 23 यूरो के अराउंड। तो ये यहाँ का सेंट्रल स्टेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ दूर पर। तो ये है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन। अभी मुझे देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे टिकट आनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन बोर्ड देखना पड़ेगा, आई डोंट नो ये है इन्फॉर्मेशन बोर्ड या कहाँ है, तो वो मैं एक बार चेक करती हूँ। यहाँ पर खाने पीने का भी है, आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं
मैं आपको दिखाती हूँ। ये शायद प्लेटफॉर्म का आइडिया दे रहा है, आई डोंट नो आपको कितना विजिबल होगा, बट यहाँ से आपको पता चल सके कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। अभी ट्रेन स्टेशन आ गई हूँ, आप देख सकते हो, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था मुझे, क्योंकि मुझे जो मेरी ट्रेन का टाइमिंग है वो 5:34 PM का है और कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं थी। तो मुझे किसी ने बोला कि अगर आपके पास टिकट वैलिड है तो आप किसी भी ट्रेन में जो एम्स्टर्डम सेंट्रल जा रही है आप उसमें बैठ सकते हो। तो मेरा टाइमिंग 4:30 बजे का था, बट अभी उन्होंने बोला कि 4:30 पे भी आप ले सकते हो। तो मैं बस वेट कर रही हूँ ट्रेन के आने का। यहाँ पे आएगी ये ट्रेन, और कोई सीट रिजर्वेशन नहीं होती है यहाँ पे, इट्स लाइक कि आप बस एक टिकट ले लो फिर आप किसी भी सीट पे बैठ सकते हो, अगर टिकट अगर आपकी ट्रेन में जगह है तो। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरा ये कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, फिर मैंने किसी की हेल्प ली तो उन्होंने बताया किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था, मुझे लग रहा था शायद जो टिकट मेरे पास है मुझे उसी पे ही जाना पड़ेगा। बट ठीक है, अब एक चीज़ अच्छी है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी एम्स्टर्डम यहाँ से। और एक चीज़ और है, आज सेलिब्रेशन हो रहा है किंग के बर्थडे का, तो बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब कितना क्राउडेड है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ऑरेंज कलर के ड्रेसेस पहने हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए किंग का बर्थडे। अगर मुझे कुछ आगे दिखे और लोग तो मैं आपको फोटो वीडियो में ज़रूर लूँगी, कैप्चर करूँगी, सो दैट आपको पता चलेगी यहाँ पे किंग का सेलिब्रेशन कैसे होता है। चलिए मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे सीधे एम्स्टर्डम में। सी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे सारे लोग ऑरेंज पहन के सेलिब्रेट कर रहे हैं किंग्स का बर्थडे। मैंने कहा आपके लिए लेती हूँ यहाँ पे जो थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को पहना हुआ। काफ़ी लोग वैसे पहने हुए हैं, आप देखो वहाँ से भी आ रहा है कोई, उधर से भी आ रहा है ऑरेंज में, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं अभी बस पहुँच चुकी हूँ एम्स्टर्डम। मैं सेंट्रल स्टेशन नहीं गई क्योंकि यहाँ से मेरे को पास पड़ेगा, तो मैं पहले ही उतर गई हूँ बस स्टेशन स्टॉप पे बेसिकली। और अभी M53 मेरे को बोर्ड करनी है अपने हॉस्टल जाने के लिए, तो अभी M53 आने में 3-4 मिनट हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि ये यहीं से इंटरसिटी में मिलती है आपको, अगर आपको इंदौर जाना हो या फिर आपको विद इन एम्स्टर्डम में घूमना हो तो भी आपको यहीं से ट्रेन स्टेशन से ट्राम या आपको मेट्रोज मिलती है। मैं मेट्रो में जा रही हूँ, मेरी M53 है। तो बस ये है, और आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना किंग्स डे है, तो सब ये बोल रहे कि थोड़ा ध्यान से रहना बिकॉज़ आज बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, थोड़े लोग ड्रंक होंगे, तो वो सब के चक्कर में, तो इस चक्कर में मुझे बहुत ध्यान से यहाँ पे आज रहना पड़ेगा। बाकी अभी देखते हैं, इसके बाद पहले तो मैं हॉस्टल में चेक इन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी कहाँ जाऊँगी रात में, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होकर फिर देखती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो बस बने रहिए इस व्लॉग में, और इस बार मैं आपको अपने साथ एम्स्टर्डम दिखाऊंगी और मेरे दो जगह के, एक ट्यूलिप गार्डन जाना है मुझे और भी बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ मैं, तो वो आप बस मेरा व्लॉग देखिए और उस पर आपको मिलेगा बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट इस बार। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में, और आपसे मिलती हूँ मैं अपने हॉस्टल पर। ओके, जैसा आप देख सकते हो कि मैं एम्स्टर्डम पहुंच चुकी हूं, और ये है वो एरिया जो बहुत ही फेमस है एम्स्टर्डम में, विच इज़ कॉल्ड आरएलबी एरिया। और यहां पे मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती थी, तो मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लिया है आरएलबी एरिया का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो आज हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमी थी क्योंकि मैं ऑब्वियसली 7 बजे पहुँची थी एम्स्टर्डम, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। बट आज मैं जा रही हूँ ट्यूलिप गार्डन, मैंने अभी हॉस्टल से चेकआउट किया है क्योंकि मैंने 6 bunk bed वाला लिया था, अब मैं 4 bunk bed में शिफ्ट होंगी, सो इसलिए मैंने अभी चेकआउट कर लिया है यहाँ से।
और बाद में आके चेक इन कर लूँगी, बट फिलहाल के लिए तो आज मेरा प्लान क्या है, आज मेरा प्लान है कि मैं आपको एम्स्टर्डम दिखाऊंगी और सेकंड एम्स्टर्डम में ट्यूलिप फेस्टिवल लगता है तो वो मेरे को आपको दिखाना है, ठीक है। बट मैं आज आपको ट्यूलिप गार्डन दिखाती हूँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़े एरिया में है। तो अभी मैं आप देख सकते हो कि मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, ये है मेट्रो स्टेशन। तो मुझे मेट्रो लेनी है पहले, तो मैं पहले मेट्रो लेती हूँ। तो मैं जहाँ पे हूँ उसका नाम है दिमनजूद, ये वाला, ठीक है। एक जाती है आपकी सेंट्रल स्टेशन की तरफ और एक आपकी यहाँ जाती है गैस प्लास के पास, ओके। तो यूजुअली मेरे को उधर की साइड नहीं जाना है, तो मुझे जाना है सेंट्रल स्टेशन की तरफ। बेसिकली मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे जाऊँ और इधर से मैं ग्रीन लाइन चेंज करके एक स्टेशन पड़ेगा राई, एम्स्टर्डम राई, तो मैं वहाँ जाऊँगी। फिलहाल ये प्लान है। फिर वहाँ राई से मेरे को एक बस लेनी है विच इज़ 852, तो 852 लेके मैं वो गार्डन जाऊंगी। और यहाँ पे आपको ऐसे टाइम पता चलेगा कि कितनी देर में आपकी मेट्रो आ रही है, लाइक M53 7 मिनट में है, फिर उसके बाद 22 मिनट में आएगी। ये आपका मेट्रोज का है और आप सामने देखोगे वो जो है वो इंटरसिटी है, लाइक आपका ये वाला एरिया विद इन एम्स्टर्डम है। अगर आपको एंडोवन या किसी और सिटी जाना है एम्स्टर्डम के लिए, तो वो इंटरसिटी आपको, इंटरसिटी एक्सप्रेस आपको उधर से मिलेगी। तो ये है, तो मैं अभी जस्ट अपनी मेट्रो से उतरी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, जैसे बताया था मैंने, उसका गार्डन का नाम है क्यूकॉन हॉफ गार्डन, ओके। सो आई शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी मुझे लेनी है अपनी बस, मेरी बस का नंबर होगा 852। यूजुअली आपको 852 की बस लेनी पड़ती है अगर आपको क्यूकॉन हॉफ गार्डन जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बस स्टॉप की तरफ, तो थोड़ा सा मैप्स देखना पड़ेगा। बाकी अब आपको सीधे मिलती हूँ मैं क्यूकॉन हॉफ गार्डन पे, और फिर उसके बाद आपको पूरा एम्स्टर्डम दिखाऊंगी वहाँ से आने के बाद। ये भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ है इस बस स्टॉप पे, बस पे जाने के लिए, देख रहे हो आप, ट्यूलिप गार्डन के लिए। तो इतनी भीड़ वहाँ पे ऑलरेडी है, पता नहीं बस में सीट मिलेगी कि नहीं, देखते हैं आगे जाके। यहाँ पे इन्होंने बस के लिए अलग से क्यों लगा दिया, आप लोग दिखाते हो, बस स्टॉप है वहाँ पे, जहाँ पे वो सब आपको लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड आप रश देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे, और अभी भी क्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। गार्डन के लिए जा रहे हैं अभी, और ऐसा नहीं है कि बस आपको बहुत लेट मिलेगी, हर 5-5 मिनट में बस है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ओके, सो मैं पहुँच चुकी हूँ ट्यूलिप गार्डन, और आप देख सकते हो बस ट्यूलिप गार्डन आ गई हूँ मैं। अब नेक्स्ट व्लॉग जो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी पूरा ट्यूलिप गार्डन जो इतने बड़े एरिया में है, और आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बिकॉज बहुत सारे आपको फ्लावर्स दिखने वाले हैं, बहुत सारे ट्यूलिप और बहुत सी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखने वाली हैं इस ट्यूलिप गार्डन में। प्लीज़ बने रहिए मेरे व्लॉग में, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरी ये स्ट्रगल, मेरा ये कन्फ्यूजन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।